जी नाजिन, इसना को याद है कि आज फादर डे है। फादर डे के हवाले से मैं इस वक्त तारकसी गिलसा के साथ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त लक्ष्मी चौक सेवर फूड के अंदर मौजूद हूँ और मैं अचानक से जब इस विजिट के ऊपर आया तो मैंने देखा कि आगे एक पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी जिसमें फादर डे के हवाले से तारकसी गिलसा के जो फैमिली है उन्होंने रखी तकरीब है जिसमें केक कटिंग और खाने का इंतजाम किया गया। सबसे पहले मैं खुदावंद के हुजूर सामने सारे नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इसके बाद तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका मज़हब कोई भी हो, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे पारसी है, चाहे सिख है, उसका किसी भी मज़हब से, किसी भी मकतबा फिक्र से, किसी भी जमात से उसका तल्लुक है। मैं उन सबको आज का दिन फादर डे के मौके पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले साजिद भाई ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत उत्तम और खूबसूरत दिन होता है कि जिसमें उस औलाद के लिए जिस औलाद का एक बाप होता है तो बाप का एक नाम बहुत बड़ा नाम होता है, तो बाप की जो रहमत होती है, बाप का जो प्यार होता है, ये औलाद की तरक्की का सबब बनता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ उस औलाद से कि जिसका बाप है और ज़िंदा है, इस दुनिया में कायम है, खुदावंद हर औलाद के बाप को और माँ को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हर आफत मुसीबत परेशानी दुख और तकलीफ से बचा के रखे। तो मैं अपने रब्बुल आलमीन से, अपने रब्बुल फवाज से, अपने जीसस क्राइस्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुनिया के अंदर इस खुसूसन इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग साहिब औलाद हैं वो अपनी औलाद से प्यार करें, अपनी औलाद के जो फ़राइज़ हैं उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, अपनी औलाद को देखें, अगर वो जवान हो चुकी है तो उनको जो मुसलमान हैं वो कुरान की तालीम तरबियत के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश करें, जो क्रिश्चियन है, मसीही है, वो बाइबल के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश करें। आज मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पे गली कूचों में सिर्फ और सिर्फ नौजवान लोग हैं वो मंशियात के आती हो रहे हैं, मंशियात का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जुआ खाना खुल गया है, रंडीबाजी चल रही है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर गली गली कूचे कूचे में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मगर मैं अपनी तमाम उन वालदैन को ये मेरा मैसेज है कि इसको नोट करें और अपनी औलाद के ऊपर पूरा ध्यान दें। जो माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपनी मजहबी तालीम के मुताबिक उसको गाइडलाइन नहीं देते, मैं ये अपने उन वालदैन को जो इस दुनिया में हैं मैं कहता हूँ कि उनसे उनके सामने विनती करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत से अदा करें। जो लोग अपनी औलाद के ऊपर ध्यान नहीं देते उनका भरापा और उनका मुस्तकबिल अंधेर नगरी बन जाता है, अंधेरे में चले। आज आपने देखा हो कि सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का दौर है, कई मैंने वालदैन को देखा रोते हुए कि उसके बेटे ने अपनी माँ को बेटा मार रहा है, माँ को बेटी मार रही है, बाप को बेटा मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। ये आखिरी वक्त है, इसको समझना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के ऊपर रहम मांगने के लिए ऊपर वाली ज़ात के सामने सजदा करें। जो मुसलमान है वो मस्जिद में जाए, जाके इबादत करे, जो क्रिश्चियन है वो अपने चर्च में जाए, जो हिंदू है वो अपने मंदिर में जाए, जो सिख है वो अपने गुरुद्वारा में जाए। हर बंदा अपने अपने मजहब के मुताबिक इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती के लिए दुआ करे। हुकूमत किसी की भी है, आज कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये हुकूमत में वज़ीर आला साहब जो CM साहब है मियाँ हमजा शहबाज साहब और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, ये आज अपनी हुकूमत में जिस तरीके से लोगों को अच्छी खुशखबरियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली हुकूमत का जितना भी जो मसला है ना, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इन्होंने एग्रीमेंट्स जो IMF के साथ गलत तरीके से एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको हम संभालते संभालते पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन मैं अपने रब्बुल फवाज के सामने मिन्नत भी करता हूँ कि वो इनको अच्छे तरीके से ताकत बख्शे, हिम्मत बख्शे, कुव्वत बख्शे, दानिशमंदी दे, ताकि बड़े अच्छे तरीके से इस मुल्क को संभालने में हमारी हुकूमत कामयाब रहे। तो मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि एक दूसरे का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो अच्छी औलाद है वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, जो अच्छे माँ बाप हैं वो अपनी औलाद का ख्याल रखें। औलाद का भी फ़र्ज़ है, माँ बाप का भी फ़र्ज़ है, दोनों साइड से मोहब्बत का, प्यार का, खूबसूरती का, अमन का पैगाम जाना चाहिए। अमन और सलामती तब इस मुल्क में आएगी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हूँ। और फादर डे के मौके पर मैं अपनी मसीही कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये कि अपने नौजवानों के ऊपर कड़ी नज़र रखें,
ताकि नौजवान के अंदर बाइबल का बीज बोया जाए, नौजवान के अंदर यीशु मसीह नासरी के जलाल और यीशु मसीह नासरी की कुदरत जो है वो काम करे और उसका रोब काम करे, उसका रूह काम करे, उसकी शफकत काम करे और उसका रहम उम्र भर के लिए रहम अल्लाह। लेकिन उसको भड़काना नहीं, उसको भड़काना नहीं, उसको गुस्से में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारा यीशु जो है ना वो रहम करने वाला है, रहीमों का रहीम है, तो इसलिए उसके रहम की ज़रूरत है। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि अपने यीशु के सामने झुके रहें और अपने अपनी औलाद से और अपने अपने बच्चों से भी प्यार करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए वापस नादिन, जिसने अपने तारक मसीह के सब का एक पैगाम सुना पूरी कौम के लिए, मसीह कौम के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए, कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत भी आ गई और हमने हमारी हुकूमत जो है मेहनत से काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको टेक ओवर किया है इन्होंने और इसको अच्छा करने की कोशिश कर रही है। और मेरे ख्याल फादर डे के ऊपर भी उन्होंने पैगाम दे दिया कि हर बाप का ये फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद के लिए मेहनत करे और उसको अच्छे मुकाम पर लेके जाए। हर बाप का ये फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद या बेटा है या बेटी है उसको अच्छी तालीम देना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छी खुराक देना, ये हर बाप का फ़र्ज़ है। और इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए हमें बढ़ चढ़ कर औलाद का साथ देना चाहिए। अच्छा साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इस जगह पे आज फादर डे के मौके पर मुझे मैं बात भूल गया, मैं ऐसे बाप भी देखे हैं जो अपनी औलाद के साथ बैठकर शराब की रौनक को दुबला किए हुए, शराब के नशा में धुत होकर अपनी औलाद के साथ उसको भी कह रहे आज यार फादर डे है ये मनाओ और दो फूट पी लो, अपनी औलाद को अपने हाथ से शराब नोशी करवा रहे हैं। तो मैं ऐसे बाप के ऊपर खुदा ना खास कर तमाम बाप की बात किया, वह ऐसे बाप, ऐसे वालिद जो अपनी औलाद को हाथ से सिगरेट पिलाते हैं, हाथ से शराब पिलाते हैं, हाथ से जुआ खिलाते हैं, गलत कार्य औलाद के साथ करते हैं, औलाद को मोटिवेट करते नहीं हैं, अच्छी बात नहीं देते बल्कि गलत बात देते हैं, तो मैं कहती हूँ इसके इससे ऐसे बाप के होने से बेहतर है कि वो बाप हो ही ताकि औलाद का बेटा गलत करते हैं। जी नाजी, ये अच्छा पैगाम है कि वो बाप जो बैठ कर आज शराब भी पीते हैं, सिगरेट नोशी भी करवाते हैं, अपनी औलाद भी कहते हैं कि नहीं आज चलो आज छुट्टी का दिन है या आज क्रिसमस है या जितने भी कैसे दिन आ रहे हैं, तो मेरा सब कम है ऐसे बाप जिस तरह काम करें। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, अपनी औलाद को अपने जान से लगा के रखें, उनको नशों से परहेज करवाएं, उनको बचाएं, ताकि हमारी कौम बढ़ चढ़ कर जो है तरक्की की तरफ जाए, अच्छा पढ़े, तरक्की करे, ताकि हमारी कौम का नाम रोशन हो।